हेलो एंड वेलकम टू चाणक्य IAS एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं यूरोप में भविष्य में संभावित ऊर्जा संकट के बारे में। हाल ही में आपने यूक्रेन की सीमा पर बढ़ती हुई रूस की सैन्य उपस्थिति के बारे में खबरें पढ़ी होंगी। इस बढ़ती हुई उपस्थिति के शुरुआत में ही यूरोप में LNG के दाम अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गए हैं। यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि रूस यूरोप के लिए प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा स्रोत है और इस पूरे गैस का 1/3 भाग यूक्रेन से होते हुए पाइपलाइन के माध्यम से ही यूरोप में भेजा जाता है। अब जब हमने यहाँ पर पाइपलाइन की बात की है तो यहाँ पर नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में जान लेना जरूरी हो जाता है। नॉर्ड स्ट्रीम एक पाइपलाइन है जिसका प्रयोग रूस से जर्मनी को प्राकृतिक गैस के निर्यात के लिए किया जाता है। इसमें दो पाइपलाइन शामिल हैं, पहली नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो रूस के शहर वाइबोर्ग से जर्मनी के शहर ल्यूबमिन तक जाती है और इसका निर्माण कार्य 2011 से 2013 के बीच में संपन्न हुआ था। अब बात करते हैं दूसरी पाइपलाइन की जो है नॉर्ड स्ट्रीम 2। यह रूस के शहर उस्टलुगा से जर्मनी के शहर ल्यूबमिन तक जाती है और इसका निर्माण कार्य 2018 से लेकर 2021 के बीच में संपन्न हुआ था। यदि हम क्षमता की बात करें तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 की क्षमता नॉर्ड स्ट्रीम 1 के मुकाबले लगभग दोगुनी है और यह दोनों पाइपलाइन ही यूक्रेन से होकर ही यूरोप तक पहुंचती हैं और ऐसे में यदि युद्ध की स्थिति बनती है या तनाव और बढ़ता है तो इनका परिचालन संभवतः बाधित होगा जिससे यूरोप में भारी ऊर्जा संकट आने की संभावना है। अब यदि यह संकट आता है तो इससे निपटने के लिए तैयारियां क्या क्या हैं, इन पर बात कर लेते हैं। हाल ही में US ने यह घोषणा की है कि वह विश्व के बड़े देशों तथा बड़े प्राकृतिक गैस उत्पादक कंपनियों से लगातार डील कर रहा है ताकि यूरोप में आने वाली किसी भी ऊर्जा संकट से आसानी से निपटा जा सके। यहाँ हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहला विकल्प होगा कतर। कतर विश्व में LNG का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यदि निर्यात की बात करें तो यह विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। कतर बरसों तक UK और यूरोप के अन्य देशों को LNG की सप्लाई करता रहा है। यहाँ से समुद्र के रास्ते सुपर चिल्ड टैंकरों में प्राकृतिक गैस को भर के यूरोप को भेजा जा सकता है। यहाँ पर दूसरा विकल्प लीबिया का है। लीबिया यूरोप के पास है और यह भी प्राकृतिक गैस का एक बड़ा उत्पादक देश है। US स्वयं भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और यह अपने यहाँ से प्राकृतिक गैस से भरे हुए कार्गो यूरोप के लिए लगातार भेज रहा है। US लगातार यह प्रयास कर रहा है कि यूरोप की रसिया पर निर्भरता को कम से कम किया जा सके। इस प्रकार इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार यूक्रेन समस्या यूरोप में ऊर्जा संकट का एक बड़ा कारण बन सकती है। आगे नई नई जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.